वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशनल आपके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का ये वीडियो EVS का शानदार वीडियो है। ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आपका TET हो, चाहे CET हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और 100% आपका क्लियर और आपका रामबाण वीडियो है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जब लास्ट तक वीडियो वॉच करेंगे तो आप खुद डिसाइड करेंगे और खुद आप ये बात बोलेंगे। तो फिलहाल हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन, दांपा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो जब भी दांपा की बात आएगी दोस्तों तो मिजोरम राज्य में है। कहाँ है? मिजोरम राज्य में आपका दांपा टाइगर रिजर्व है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपका सीधा वन लाइनर क्वेश्चन। हम लोग करके आप वन लाइनर आपके आंसर है, आपके आज ऑप्शन नहीं लाया हूं तो इसे सीधे सीधे हम लोग नोट्स कह सकते हैं, तो नोट्स बना लीजिए सारे स्टूडेंट। सेकंड नंबर आपका क्या क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? जब भी बर्डमैन ऑफ इंडिया की बात आएगी तो एक पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आप यहां से दो क्वेश्चन और क्लियर कर सकते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में और सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपकी, यानी बर्ड सेंचुरी आपकी कहां है? गोवा में है। कहां है? गोवा में। तो यहां से हमने 3-4 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। तो फिलहाल बर्ड मैन ऑफ इंडिया की बात आएगी तो सलीम अली टिक करेंगे और एक नंबर आप फ्री का ले जाएंगे, ग्रीन मफलर। आपका अगला सवाल क्या है, 3 नंबर, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर की जब भी बात आएगी तो नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण से आपका संबंधित है। बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए यानी व्हाइट टाइगर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका फेमस है? तो जब ऐसी बात आएगी सफेद बाघ के लिए जो पूछेगा आपसे राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल में है। कहां है? मध्य प्रदेश के शहडोल में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश आप जानते हैं सबसे ज्यादा वन आच्छादित आपका स्टेट है, यानी बहुत वन के मामले में जंगल वहां पे बहुत है। और आपके हीरे की जो खान पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में ही MP के पन्ना में है हीरे की खान। तो कई सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। बढ़ेंगे 5 नंबर दोस्तों सवाल की तरफ, शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को और नोट्स बना रहे हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जब भी बुक्सा की बात आएगी तो आप वेस्ट बंगाल लगाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, शानदार सवाल, डबल स्टार बना लीजिए। आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। जब भी काजीरंगा की बात आएगी आप असम मारेंगे और असम हम जानते हैं चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आपका स्टेट है इंडिया का, तो असम मारेंगे काजीरंगा के लिए। और यहाँ असम जो काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए फेमस है? आपका एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है, यानी एक सिंगी गेंडा यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर है? और आपने बिहू का नाम भी सुना होगा, बिहू असम का त्योहार है दोस्तों। तो बिहू जब भी आएगा आप असम लगाएंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में भी आपका असम सही हो जाएगा। तो हम लोग 7 नंबर सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां स्थित है? तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली आपका क्या है? नई दिल्ली आपकी राजधानी भी है, इंडिया की राजधानी है और यहां पे राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। क्लियर है? 7 नंबर भी सवाल अच्छे से सॉल्व हो गया आपका। 8 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? डबल स्टार बना के नोट कर लेंगे सब लोग। क्या है पर्यावरण के दुश्मन की जब बात आ जाएगी तो कौन सा वृक्ष होता है? आपका यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस ऐसा क्यों? ये क्योंकि ये आपका पानी ज्यादा, इसे पानी की जरूरत बहुत होती है, इसलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन भी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर क्या सवाल कह रहा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी आपकी गैस है CO2। तो अगला दोस्तों 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जब नामदफा की बात आएगी, नामदफा की जब भी बात आएगी
जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश आप टिक करेंगे और एक नंबर फ्री का ले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश आपका नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर का स्टेट है और सबसे पहले सूर्य की कहां उगता है आपके किस स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का प्रदेश भी यानी उगते हुए सूर्य का राज्य बोला जाता है। क्लियर है? तो यहां से कई सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। और चाइना की सीमा अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा लगती है, यह भी आप जान लीजिए। अगला हम लोग बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्म पानी अभ्यारण्य कहां स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां स्थित है, मैंने आपसे कहा था कि पूरे वीडियो में शानदार क्वेश्चन की भरमार है, तो आप नोट्स क्लियर करते चलिए। तो यहां से आपका 11 नंबर सवाल कह रहा है गर्म पानी और गर्म पानी अभ्यारण्य की बात होगी, तो जी हां असम होगा इसका सही आंसर। और मैंने बिहू अभी बताया कि बिहू यहां का फेमस आपका फेस्टिवल है और असम चाय के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान रखता है, इंडिया के टी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान है इसका। अगला दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जब नागरहोल राष्ट्रीय पार्क की बात आएगी तो भारत के कर्नाटक में स्थित है और हम जानते हैं ये साउथ इंडिया का पार्ट है, लेकिन इसे और किस नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, CS में आपका पूछा गया क्वेश्चन है क्या है आपका, सबसे बड़ा इंडिया का कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफी उत्पादक राज्य की जब बात आएगी तो आप कर्नाटक लगाएंगे, 56% समथिंग आपकी इंडिया की कॉफी अकेले उत्पादन कहां होता है, कर्नाटक में होता। और जब विश्व में कॉफी उत्पादन की बात आएगी, जब विश्व में कॉफी उत्पादन की बात आएगी तो आप ब्राजील लगाएंगे, ब्राजील सबसे बड़ा दुनिया का कॉफी उत्पादक कंट्री है। तो आपका अब बढ़ते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ यानी 13 नंबर सवाल की तरफ। शानदार क्वेश्चन है आपका, पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान भारत के झारखंड में स्थित है और झारखंड में इस क्वेश्चन का सही आंसर फिलहाल झारखंड है। और झारखंड से जुड़ी एक और बात जान लीजिए, यहां पे एक सरहुल नाम का त्योहार होता है, जब भी सरहुल की बात आएगी सरहुल कहां मनाया जाता है तो आप झारखंड लगाएंगे। इस दिन सब लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं और सिरई का एक सरई होता है, सरई का फूल होता है और उसे पहनकर डांस करते हैं। तो फिलहाल जब सरहुल की बात आएगी तो आप झारखंड लगाएंगे और राष्ट्रीय उद्यान भी झारखंड लगाएंगे। तो क्लियर है, 13 नंबर क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर किए। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया 1973 में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे, कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। और जब सबसे पुराने की बात होगी तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था, कहां है, उत्तराखंड में, यानी यूके उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, यूके, यूके उत्तराखंड जो भारत का एक स्टेट है। क्लियर है? तो अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या है और आपके कितने नाम जिम कार्बेट के हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे पुराना नाम और मुझे लगता है एक दो नाम है तो वो आपको बताने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, फिर हम उसका सही आंसर बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसमें प्रोटीन अधिक, सबसे अधिक स्रोत कौन है प्रोटीन का, तो आपका सोयाबीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोयाबीन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 16 नंबर भी क्वेश्चन आपका शानदार तरीके से हो चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण हम जानते हैं प्रोटीन से होता है, कई बार पूछा गया है, तो शरीर में टिश्यूज का जो निर्माण होता है वो आपके प्रोटीन की मदद से होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर होता हुआ, कैडमियम प्रदूषण। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, इटाई इटाई रोग आपका किससे संबंधित है, तो कैडमियम प्रदूषण से संबंधित है। या फिर आपका क्वेश्चन आए कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई इटाई से संबंधित है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखते रहिए आप अभी आगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी हम लोग 18 नंबर पे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है,
19 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस, कब मनाया जाता है 22 मई, कब 22 मई, और महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, कब 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर 22 मई हो जाएगा। बढ़ेंगे आपका 20 नंबर सवाल की तरफ शानदार तरीके से दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छे से सब लोग तैयारी करेंगे। क्या क्वेश्चन है आपका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात आएगी तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है, और छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई इस्पात उद्योग भी स्थित है। तो क्लियर है, यहां से आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां है? राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, जो 1981 में बना था। ठीक है, सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? कई सारे लोग गेहूं को भी लगा देते, टिक कर देते, जो आपका गलत हो जाएगा। फिलहाल आपका आंसर क्या है, सबसे पुराना अनाज जौ को माना जाता है, जौ सब लोग जानते हैं, जौ को सबसे पुराना अनाज माना जाता है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर सवाल की तरफ, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर को, और हम इंडिया में 26 नवंबर को कानून दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंडिया में कानून दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हुए शानदार तरीके से। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और अभी आपके पास आपके कई सारे क्वेश्चन है तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, और लास्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और धुआंधार तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका 23, आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे जानते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, बहुत फेमस है आपका पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर 5 जून होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? डबल स्टार यहाँ पे बना लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता 16 सितंबर, 16 सितंबर यानी मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर, उससे एक दिन पहले हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकट ग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है, यानी जो भी पौधे और पशु विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको इसमें लिखा जाता है, और सबसे पहली बार आपका 1966 में रेड डाटा बुक प्रकाशित की गई थी, यानी आपकी रिलीज की गई थी। तो क्लियर है? बढ़ेंगे दोस्तों आपके 26 नंबर सवाल की तरफ, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बार आपका 1966 में रिलीज की गई थी रेड डाटा बुक। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 1966 यानी 1966 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को, यानी जो संकटग्रस्त जीव है उन्हें किस रंग से दर्शाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका पिंक हो जाएगा, पिंक कलर से दर्शाया है। तो अगला हम लोग बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सबसे शानदार क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस स्टेट में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके वन्य जीव अभयारण्य, और सबसे ज्यादा वन भी मध्य प्रदेश की धरती पर पाए जाते हैं। क्लियर है? 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा राज्य भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश दोस्तों, कौन? हिमाचल प्रदेश। तो बढ़ेंगे 30 नंबर सवाल की तरफ, आखिरी सवाल आपका है आज के इस वीडियो का, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में शानदार तरीके से, और अगर आप मैथ की भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ में वीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेहतरीन ढंग से मैथ पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद।